अच्छा, तो हम लोग ने इस वक्त आ गए हैं, अब अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख लेक्चर नंबर 8। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने 3ds Max से काफ़ी सारे मॉडिफायर्स को देखा था, और हम लोगों ने ये देखा था कि किसी ड्राइंग को पढ़ने का तरीकाकार क्या होता है। और हम लोगों ने ट्विस्ट के बारे में देखा था, लैथिक के बारे में देखा था, बेंड FFD के बारे में देखा था, टेपर देखा था, शेल देखा था क्या काम करता है। उससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने यूवी अनरैपिंग कर चुके हैं, अनरैपिंग नहीं की हमने, यूवी मैपिंग की है हमने, ठीक है, अनरैपिंग हमारे अगले लेक्चर्स में आएगा। और उससे पहले हम लोग ये देख चुके थे कि पॉली मॉडिफायर क्या होते हैं हमारे पास, एडिट ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास अटैच क्या है, डिटैच क्या है, स्लाइस में क्या है। अच्छा खैर, अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पास, जो हम लोग जो कर रहे हैं कि मिसाल के तौर पे अटैच मैंने नहीं पढ़ाया अभी, डी अटैच मैंने नहीं पढ़ाया, स्लाइस प्लेन, क्विक स्लाइस और कट और चैम्फर, ये मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाए। चैम्फर मैंने करवा दिया, हाँ वेरी गुड, ठीक है। अब 18, इसके बाद हम लोगों ने फ्लिप देखा है, कनेक्ट देखा है, मतलब हम लोगों ने वो जो बेसिक चीज़ें होती हैं एडिटेबल पॉली की हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। और उसके बाद हम लोगों ने एक दो बेसिक से लेवल बन के हमने मॉडल्स बनाए हैं, और हम लोगों ने ये भी देखा है कि उन मॉडल को बनाने का तरीकाकार क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं हमारे पास। तो आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आज हम लोग एक नए ऑनरा की तरफ जा रहे हैं, एक नई ईरा के अंदर हम लोग जंप करने वाले हैं। वो है हमारे पास 2D शेप्स और मॉडिफायर्स क्या होते हैं, ठीक है। कि क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि 3ds Max के अंदर आपके जो 2D शेप्स हैं वो एक एज अ बैक बोन काम करती हैं मॉडलिंग में, क्योंकि कई ऐसे, मैं ये कहूँ, अगर मैं ये कहूँ कि इम्पॉसिबल शेप्स आपकी जो हैं वो 2D शेप्स आपकी बनाता है, तो ये बात गलत नहीं होगी, ठीक है। जैसे हम लोग किसी भी एक 3D मॉडल के ऊपर राइट क्लिक करके एडिटेबल पॉली करते हैं, ऐसे ही हमारे पास जो 2D शेप्स होती हैं वो सारी की सारी बेस करती हैं सप्लाइन पे। किस पे करती हैं? सप्लाइन पे बेस करती हैं वो, ठीक है। ऐसे आपके जितने भी मॉडल हैं वो किस पे बेस करते हैं 3D? वो मैश पे बेस करते हैं, ठीक है। मैश के हम लोगों ने कंपोनेंट्स देखे हैं, वर्टेक्स क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं, हम लोगों ने देखा एलिमेंट्स क्या होते हैं, बॉर्डर्स क्या होते हैं। इसी तरीके से सप्लाइंस के भी कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो सप्लाइन पहले बनाई जाती है, उसके बाद उसको 2D से 3D में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बहुत से प्रिंसिपल्स हैं। पहली तो मॉडलिंग यही है कि 2D शेप्स मॉडलिंग होती है, उसके बाद 2D को 3D से, ये तुम लैला की तरह मुझे क्यों झांक झांक के देख रहे हो? तुम आगे आ जाओ, बारी नहीं होती उसके अंदर, वो आधी देख रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से 2D से अगर आपने 3D के अंदर जंप करना हो, यानी 2D शेप्स के साथ आपने कुछ चीज़ बना ली और उसको आप 3D में लेके आना चाह रहे हो, तो उसकी भी मॉडलिंग के प्रिंसिपल्स में एक सबसे पहला तो नर्व्स आ जाती है आपके पास, नॉन यूनिफॉर्म रेस्टिंग बी लाइंस आ जाती हैं, कुछ उनको खुद 3D में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके अंदर ऑप्शंस होती हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा, पहले फेज़ के अंदर हम लोग ये बताएंगे, हम इस चीज़ को पढ़ेंगे कि 2D शेप्स हैं कौन कौन सी और कहाँ से आती हैं। हम अपने क्रिएट के बारे में आ रहे हैं, ये हमारे पास क्रिएट है, क्रिएट पैनल्स के अंदर नीचे आपके पास है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के साथ ही हमारे पास है 2D शेप्स, ठीक है। ये आपके पास आपको नज़र आ रहा होगा, ये बताएं ना, शेप्स, शेप्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ गया सप्लाइंस, सप्लाइन के नीचे लिखा हुआ लाइन। अगर मैं लाइन को टॉप व्यू से देखता हूँ, और टॉप व्यू से देखने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैंने एक क्लिक यहाँ किया, फिर दूसरा क्लिक यहाँ किया, और तीसरा क्लिक मैं ड्रैग कर देता हूँ, तो मेरे पास इस वक्त लाइन की जो कैटेगरी आ रही है वो कौन सी आ रही है, यहाँ पर है, कह रहा है कि पहले क्लिक से दूसरे क्लिक तक कॉर्नर बनेगा और उसके बाद आपके पास ये कैटेगरीज आ जाएंगी। यानी कि ड्रैग के अंदर क्या होगा, ड्रैग की टाइप मतलब माउस को ड्रैग करवाना, ये ड्रैग करवा दिया मैंने, ठीक है। तो मैंने अगर कहा कॉर्नर टू कॉर्नर, यानी कि मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद ड्रैग करूंगा, तब भी कॉर्नर ही रहेगा मेरे पास, बात समझ आ गई? अच्छा, इसके बाद है स्मूथ, यानी कि अगर मैं पहले क्लिक करूंगा, सेकंड क्लिक के अंदर मैं इसको स्मूथ कर सकता हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा इसके कॉर्नर अब स्मूथ बन रहे हैं। अगर आपको ये ज़्यादा जर्क नज़र आ रही है तो आप क्या करेंगे, आप इसके इंटरपोलेशन में जाएंगे, और इसके बाद ये आप जो इसके स्टेप्स हैं ये आप जितने ज़्यादा कर देंगे उतनी लाइन हमारी
क्वालिटी में स्मूथ हो जाएगी, यानी कि मैं 12 कर देता हूँ तो ये देख रहे हैं आप लाइन हमारी स्मूथ हो गई और ठीक है। लेकिन ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपके पॉलीगॉन्स भी बढ़ जाएंगे, वो मैं आपको दिखा दूंगा कैसे। थर्ड बेजियर आपने देख लिया, वह बेजियर कर्व होती है, यानी क्लिक किया फिर आपने उसको, मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ड्रैग पेन टूल से ड्रैग करते हैं, क्या होता है वो लोग जो फोटोशॉप जानते हैं, जब क्लिक करते हैं कॉर्नर, फिर क्लिक करते हैं कॉर्नर, तीसरे क्लिक पे जब वो ड्रैग करते हैं क्या होता है, कर्व बनाता है, कर्व हमेशा ड्रैग से बनेगी आपकी, ये चीज़ समझ में आ गई। अच्छा अब हम इस लाइन के कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं, एक चीज़ को पढ़ लेंगे सारी चीज़ें वही होंगी। मॉडिफायर में जाएंगे क्योंकि हमने लाइन को मॉडिफायर करना है, तो मेरे पास लाइन में पहली चीज़ है क्या, वर्टिसेस, ठीक है। सेकंड चीज़ मेरे पास क्या है, एज। थर्ड चीज़ मेरे पास क्या है, पूरी सप्लाइन, वही 1 2 3 इसका शॉर्टकट है। अच्छा वही सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं आपके पास आउटलाइन में आ जाती हैं, कुछ रिवर्स में आ जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं इसमें। मिसाल के तौर पर ये लाइन इस लाइन को ओवरलैप कर रही है, तो आप इसको ट्रिम कर देंगे, तो यानी कि मैं क्लिक करूँगा तो ये लाइन यहाँ से ट्रिम हो जाएगी, ठीक है। लाइन ओवरलैप कर रही है तो आपकी लाइन ट्रिम हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं इस लाइन की आउटलाइन आ जाए, आप क्लिक करें तो इस लाइन की आउटलाइन आ जाएगी, ठीक है, ऑटो कैड की तरह, वेरी गुड, शाबाश। इसी तरीके से आपके पास लाइन के मिरर चाह रहे हो तो मिरर आ जाएगी, मतलब वही सारी चीज़ें जो हम लोग उसके अंदर देख चुके हैं। अच्छा इसके अलावा आप लाइन को अटैच भी कर सकते हैं किसी दूसरी लाइन के साथ, यानी कि आप इस पर क्लिक करें, यहाँ पर मॉडिफाई लिस्ट में आएँ और इसके बाद यहाँ पर लिखा है अटैच, आप इन सारी लाइन्स को आपस में अटैच भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एक लाइन की प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। इसी तरीके से हमारे पास रेक्टेंगल है, मैं फ़िलहाल इसे ग्रिड गायब कर रहा हूँ, ये हमारे पास रेक्टेंगल है, इसकी प्रॉपर्टी वही है, मेरा ख्याल है बताने की ज़रूरत नहीं होगी, ये प्रॉपर्टी आप खुद देख लीजिएगा वहाँ जाके, ये रेक्टेंगल की ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास सर्कल है, ठीक है। अगर मैं राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, अब ये देखें इसके अंदर वो लाइन वाली प्रॉपर्टीज़ नहीं आ रही हैं जो हम लोगों ने बनाई थी। तो अगर मुझे चाहिए कि इसका वर्टेक्स पे क्लिक करूँ या एज के एज पे क्लिक करूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद कन्वर्ट टू में आऊँगा, और इसके बाद हम कर देंगे कन्वर्ट टू एडेबल सप्लाइन, सप्लाइन है तो सप्लाइन ही करेंगे हम, ठीक है, बुलाएं उसे। वालेकुम अस्सलाम, आए बैठे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इस लाइन को क्लिक करेंगे, ये देखें ये तकरीबन अंडा बन गया है, अस्सलाम, राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू सप्लाइन किया, और वही वर्टेक्स पकड़ के मैंने, अब आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। एनीथिंग एल्स? अच्छा बाकी टैक्स है, टैक्स आप लिख लें, इसके मतलब ये मैक्स टैक्स है, यहाँ पर आप क्लिक करें और इसके बाद आप क्या करेंगे, इधर आप आएँ और यहाँ पे लिख दें आप जी वी कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये 3D में कैसे आता है इसकी अभी हम बाद में बात करते हैं, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है ये 3D में कैसे आता है। 3D में लाने की इसके बाद प्रोसेस हैं, ठीक है। एक प्रोसेस तो ये है कि आप क्या करें, इस डब्बे के ऊपर क्लिक करें, डब्बे पे क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, आप मॉडिफाई लिस्ट में जाएं और इसके बाद आप यहाँ पर एक कमांड है एक्सट्रूड, आप एक्सट्रूड पे क्लिक करेंगे और क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट आपका 3D में आ जाएगा और अब आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना शुरू कर दें। सेकंड आगे बाद जो स्टेप है वो ये है कि आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करें, राइट क्लिक करें और इसके बाद आप कन्वर्ट टू एडेबल पॉली करें, ये पॉलीगॉन्स में क्लिक हो जाएगा। अब आप इसके पॉलीगॉन को पकड़ के चाहे आप इंसर्ट करें, यानी कि मैं अगर इसको इंसर्ट करता हूँ क्या होता है, ये मैंने इसको इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद मैं इसको एक्सट्रूड कर दूं, एक्सट्रूड करने के बाद मैं इसको बेवल कर दूं, वट एवर वी वांट, ठीक है। सेकंड, थर्ड स्टेप इसके अंदर अपना खुद का मौजूद है, वो ये है कि आप अपने किसी भी सप्लाइन पे क्लिक करें, मॉडिफाई लिस्ट में जाएं, यहाँ पे लिखा है रेंडरिंग, रेंडरिंग में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा इनेबल इन रेंडर और इनेबल इन व्यू पोर्ट। जब आप इन दोनों के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ये एक थिकनेस आ जाएगी इसके अंदर, थिकनेस क्या करेगी कि आप इस थिकनेस को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये थिकनेस आपकी दो तरह की है, एक है आपके पास रेडियल और एक है आपके पास रेक्टेंगुलर, मतलब आप इसके साथ
खेल सकते हैं। तो ये तीन प्रोसेस हैं आपके पास। करते हैं ना इसको, अभी शेप करते हैं। देखिए कोई चीज़ बनती है ना उसके पीछे की वजह होती है, ठीक है। वो रेक्टेंगल जो मैंने यहाँ बनाया वो मैं बॉक्स में भी बना सकता हूँ। क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि ये रेक्टेंगल तो हम लोग बॉक्स में भी बना सकते हैं, तो फिर इसका हमें फ़ायदा, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है? अब आ रहा है। कैसे बनेगा 3D मॉडलिंग में? नहीं बनेगा। ये समझ में आ रहा है? कोशिश हो सकती है। ये आ रहा है? करो सिलेंडर ऐसा। मैं रैंडम सी चीज़ निकाली है एक। चलो ये तो आसान चीज़ है। ठीक है, हाँ जी, इसको देखें। ठीक है, बनाऊं? क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इनेबल इन रेंडर व्यू पोर्ट किया हुआ है, तो लिहाजा ये अभी तक नज़र आएगा। हम लोग क्या करेंगे, रेंडरिंग पर जाएंगे, इसको हम लोग कर देंगे रेडियल, तो हमें रेडियल में ही ये चाहिए। फ्रंट में जा रहा हूँ, इसके बाद मैंने इसके सेगमेंट में क्लिक किया, मैंने रीसाइज क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। छोटा करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसके वर्टिसिस में जा रहा हूँ। वर्टिसिस में जाने के बाद मैं इसको कर्व करना चाहता हूँ, तो कर्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिलेट यूज़ करते हैं हम लोग। क्या करेंगे हम लोग, ये फिलेट है, यहाँ पर आप फिलेट पर जाएंगे, इसको आप यूज़ कर लेंगे, तो ये कर्व हो गया यहाँ पर आके। जब ये कर्व हो जाएगा, तो कर्व होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आ गए, अब इसकी थोड़ी सी बेंडिंग होनी चाहिए। हम लोग जाएंगे इसके वर्टिसेस में, वर्टिसेस में जाने के बाद हम लोग इसको थोड़ा सा यूँ कर देंगे, हाँ जी, ऊपर वाले को कर देंगे, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, सिमेट्री मैंने पढ़ाया, सिमेट्री नहीं पढ़ाया। फ्रंट व्यू में जाएंगे, बल्कि लेफ्ट व्यू में जाएंगे, इसका जो गिज़्मो है हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे। हम लोग कहाँ चेंज करेंगे, इफेक्ट पिवट ओनली में जाके हम लोग इसको ले आएंगे 0 में, और इसके बाद हम लोग जाएंगे मॉडिफाई लिस्ट में, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सेमिट्री, और सेमिट्री को जब हम लोग ऑन करेंगे, तो ये सेमिट्री क्या काम करती है, सेमिट्री ये काम करती है जब एक जगह आप काम करते हो ना, वो दूसरी जगह भी होना शुरू हो जाता है। हम लोगों ने इसकी डायरेक्शन ही चेंज कर देनी है, हमने कहा हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, हमें वाई में चाहिए, बल्कि जेड में चाहिए, ठीक है। अब ये यहाँ पर आ गई, स्टूल बन जाएगा अब, ठीक है, अब बन जाएगा। और भी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसके अंदर बन सकती हैं, मिसाल के तौर पर ये बना के दिखाऊं, ये बनाऊं। अच्छा, हम फ्रंट व्यू में जा रहे हैं, फ्रंट व्यू में जाने के बाद मैंने क्या किया, लाइन को यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाया, मुझे अब इसकी थिकनेस नहीं चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, रेंडिंग में जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे तुम्हारी थिकनेस इस वक्त अब नहीं चाहिए। हम लोग इसको इनेबल नहीं कर रहे, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इस लाइन को हमने बराबर से डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करने के लिए मैं जाऊंगा सेगमेंट्स में, सेगमेंट्स में जाने के बाद मैं बीच वाली लाइन पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पर नीचे आना, यहाँ पर आके पास एक आ रहा होगा डिवाइड। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, जब आप वर्टेक्स पे क्लिक करेंगे तो वर्टेक्स की प्रॉपर्टीज़ आएंगी, सेगमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो सेगमेंट्स की प्रॉपर्टी आएंगी, स्प्लाइन पे क्लिक करेंगे तो स्प्लाइन की प्रॉपर्टी आएंगी। ऐसा हरगिज़ नहीं करना कि सेगमेंट को ढूंढ के आप ट्रिम को ढूंढ रहे हो,
सेगमेंट्स पे क्लिक किया और आप ट्रिम को ढूंढ रहे हो। जब भी आपकी लाइन डिवाइड होगी तो वो सेगमेंट की बेस में डिवाइड होगी, तो हम लोग सेगमेंट पे क्लिक करेंगे, डिवाइड पे आ रहे हैं, मैंने यहाँ पर कर दिया इसको 12 हिस्सों में डिवाइड, और इसको हम कर देंगे डिवाइड, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं इस लाइन को उठाता हूँ तो ये मेरे पास क्या आएगी, वर्टेक्स पे क्लिक करने के बाद इस वर्टेक्स को उठाऊंगा तो ये कॉर्नर क्या बन रहा है, शार्प। हमें क्या चाहिए, स्मूथ चाहिए। हम सबको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट इनटू बेजियर, बेजियर कॉर्नर कर देंगे इसको हम लोग, या हम लोग कर देंगे बेजियर कम इन। बेजियर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, यानी कि एक को छोड़कर एक को सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग, ओके हो गया। ओके होने के बाद अभी मैंने आपको कमांड क्या बताई थी कि 2D को 3D में लाना हो तो पहला प्रोसेस क्या होता है, हैवी बोले है, एक्सट्रूड करते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रूड करते हैं, ठीक है, एक्सट्रूड कर देंगे तो ये आ गया। अब ये है वन साइडेड मटेरियल, ठीक है। अब ये देखिए आपके ज़्यादा सेगमेंट नज़र आ रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए होते हैं, लो वापस जाएं लाइन पे, इसके इंटरपोलेशन पे आएं, इसके प्रीव्यू को आप देख लें ताकि नज़र आए आपको इंटरपोलेशन। देखें मैं स्टेप काम कर रहा हूँ, हो गया लो बोली, ठीक है, एक्सट्रूड में आए। अब ये वन साइडेड मटेरियल है, इसको थिकनेस करना है, क्या करेंगे हम इसमें थिकनेस लाने के लिए, लाना था तुम लोगों पे शेल लाएंगे हम लोग यहाँ पर, मैं कह रहा हूँ सर आप जैसे कोई नहीं, अल्लाह ना करे कोई हो ऐसा, ठीक है जी। बन गया वो शेड, एनीथिंग एल्स, ठीक है, शेड हमने बना लिया। इसके अलावा हम लोग क्या बना सकते हैं, चलो यार ये तो तुम लोग बना के दिखाओ ना, ठीक है, ये हम लोगों ने बना लिया। और इसके अलावा हम क्या बना सकते हैं, सप्लाइन से, सप्लाइन से काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं हमारी, मिसाल के तौर पर खैर जब लॉट वगैरह पड़ेंगे तो हम लोग उसको देखेंगे। तो ये आपके पास 2D है एक बेस, ठीक है, हीलेक्स है, ये चेक कर लीजिएगा आप, क्योंकि ये बड़ी ज़रूरत पड़ती है इसकी अक्सर। ठीक है, कोन वगैरह बनानी हो, आइसक्रीम बनानी हो, कुछ भी आपने करना हो आप कर सकते हैं। खैर ये थी हमारे पास 2D शेप्स। 2D शेप्स क्या होती हैं, हम लोगों ने ये पढ़ लिया, इसको बनाते कैसे हैं ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। और हाँ स्वीप भी है और लेथ भी है, ठीक है, चलें ये अच्छा हुआ कि मैं इसके साथ बाउंड हूँ। स्वीप क्या काम करेगी हमारे पास, स्वीप बड़ी इंटरेस्टिंग कमांड है आपकी, ठीक है। इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे अरे, अरे होता है, इसका मतलब होता है मल्टीपल कॉपीज निकालना किसी भी चीज़ की। आप क्या करते हैं, किसी खास डायरेक्शन के अंदर आप मल्टीपल कॉपीज निकालते हैं। मैं क्योंकि हम लोग 2D लाइन को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रंट व्यू में आ रहा हूँ, फ्रंट व्यू में आने के बाद मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ, और इसके बाद मैंने ये लिया एक रेक्टेंगल ले लिया, ठीक
ठीक है, ये एक चेन का वो बन गया है, ब्लॉक टाइप बन गया, ठीक है। अब मैंने इसकी मल्टीपल कॉपीज़ निकालनी है कि ये चेन भी बने, यानी कि मैंने क्या करना, अगली जो कॉपी होगी वो कैसी होगी, वो ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, और उससे अगली कॉपी कैसी होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए, मतलब फिर आगे कॉपी निकलती जाए, अगली आगे रोटेट हो। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको हमने यूज़ करते हैं, हम जाएंगे एडिट में, एडिट में जाने के बाद, आई एम सॉरी, टूल्स में, टूल्स में जाने के बाद अरे में, अरे में आने के बाद वो पूछता है कि आपने इसकी नंबर ऑफ़ कॉपी कितनी निकालनी है। हम कहते हैं कि 10 निकालेंगे, तो हमें 10 नज़र भी तो आए ना, जा कर आ रही हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका प्रीव्यू ओपन कर लेंगे। जैसे हम प्रीव्यू ओपन करेंगे, हायरार्की में देखो ऑब्जेक्ट कॉपीज़ निकल आई हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको आगे मूव करना है। अगर मैं इसको डायरेक्शन एक्स की तरफ मूव करता हूँ, ठीक है जी, और मैं कहता हूँ ये मूव के साथ साथ रोटेट भी हो, ठीक है, मैं देखता हूँ ये रोटेट यहाँ से होता है, हाँ जी यहीं से होगा, इसको हम लोग कर देंगे 90, हाँ जी, अब हमारी बिल्कुल सही निकली कॉपीज़। अब हम लोग इसके यहाँ पर नंबर ऑफ काउंट बढ़ा सकते हैं, ये हो गया एक, एक अरे का ये काम हो गया, ठीक है। और एक आपको लास्ट टाइम याद होगा कि मैंने एक पाइप बनाया था और उसके बाद मैंने उसकी मल्टीपल कॉपीज़ निकाली थी अरे से, ठीक है, वो भी इससे निकलती हैं। मैं वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, खैर ये अब आप लोगों ने करना है, ठीक है, ये टास्क आप लोगों पर है कि आपने क्या करना है, एक पाइप बनाना है, यानी कि क्या, यानी कि ये मेरे पास सिलेंडर है, ठीक है, और ये मेरे पास एक, आई एम सॉरी, ये मेरे पास एक ट्यूब है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग सिलेंडर पे जाएंगे और इसको हम यहाँ रख रहे हैं। आपने क्या करना है, बिल्कुल तरतीब से इधर इसकी कॉपीज निकालनी है, ठीक है। हिंट मैं दे देता हूँ, इसका जो गिज़्मो है सेंटर में करवा देना है, इसके, इसका जो ये गिज़्मो आ रहा है ना, ये वाला गिज़्मो सेंटर में करवा देना, फिर काम आसान हो जाएगा। हिंट मैंने दे दी है। अच्छा, स्वीप क्या काम करता है, स्वीप ये काम करता है कि आपके स्वीप एंड लेथ तकरीबन 2D प्रोफाइल को रिवॉल्विंग पॉइंट या किसी पाथ के ऊपर अगर आपने कॉपीज़ निकाल ली हो, तो वो स्वीप आपका ये काम करेगा। मिसाल के तौर पे आपको फ्रंट व्यू में आ रहा हूँ, फ्रंट व्यू में आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक 2D लाइन है, ये क्लिक किया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और इसके बाद स्नैप से क्या करेंगे हम लोग, आपको याद है मैंने आप लोगों को कमांड बताई थी, यहाँ पर आप राइट क्लिक करें और इधर आप होम ग्रिड ऑप्शन में जाएं, इनेबल एक्सिस कंस्ट्रेंट, इसकी शॉर्टकट की है Alt-D, Alt-D से आप इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ये मैंने एक प्रोफाइल बना ली है, ठीक है, इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे ले आता हूँ, मुझे फ़िलहाल इसी कॉपी चाहिए। मैं क्या करता हूँ, फ़र्ज़ करें ये मेरे पास छत है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये जैसे आपके छतों के पास बॉर्डर नहीं होते बने हुए, ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली इसके ऊपर एक स्वीप लगा देता हूँ, यानी कि मैंने लाइन पे क्लिक किया और इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर स्वीप अप्लाई किया, तो ये मैंने इसके ऊपर स्वीप लगा दी, तो इसने ऑटोमेटिक एक एंगल का
बना ली, यानी कि इसके अंदर ऑलरेडी एंगुलर बार भी है, आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा, ठीक है। एक बार है इसके अंदर, एक एंगल है आपके पास नज़र आ जाएगा इस जगह पर। मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देख रहे हैं ये एंगल नज़र आ रहा है आपको, इसकी मैं विड्थ और हाइट को बढ़ाता हूँ तो अब आपको समझ में आएगा। ये इसकी विड्थ बढ़ा दी है, ये इसकी थिकनेस है, ठीक है। इसी तरीके से इसके अंदर आपको मिल जाएगा चैनल सी टाइप, ऑलरेडी आपको बना बनाया मिल जाएगा, यहाँ से आपको समझ में आ गया। देख रहे हैं सी टाइप चैनल आपका चल रहा है, ठीक है। अगर आपने इसको पलटाना हो, यानी कि आप मिरर करना चाहते हो, तो ये मिरर अंदर की साइड पर हो गया है, ठीक। अब वो प्रोफाइल जो कि मैंने बनाई थी वो यहाँ पर है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर होता है हमारे पास ये रहा यूज़ कस्टम सिलेक्शन, कस्टम सिलेक्शन में आप जाएंगे तो हम लोग पिक करेंगे इसको, तो क्या होगा ये जो हमारे पास है, हाँ ये अब हुआ ना सही, अब हमारे पास ये प्रोफाइल यहाँ पर बिल्ड हो गई, आपको नज़र आ रही होगी ये चीज़। इसने इस प्रोफाइल को लूप में चला दिया, ये आके पास स्वीप है, यानी कि स्वीप के आके पास काफ़ी सारी ऑप्शन के साथ, यानी कि एक बिल्टिन भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। मैं स्वीप से ज़्यादातर रोड ही बनाता हूँ, ठीक है। कैसे बनाता हूँ इसको हम बाद में देखेंगे, क्योंकि उसके अंदर फिर अनरैपिंग भी आ जाती है। ओके, और इसके अलावा हमारे पास अब फ्रंट व्यू में जा रहे हैं, और हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर देते हैं लेथ, LATHE लेथ, और लेथ अप्लाई जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रही होगी 360 डिग्री, तो हम लोग इसको कर देंगे मिनिमम है, इसको आप कर देंगे सेंटर, या कि वह मैक्सिमम है। इससे बनता क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप कर देंगे लेथ और आप कर देंगे सेंटर या मैक्सिमम। ओके, आप ये भी बना सकते हैं, इसके आप वेल्ड कॉर्नर कर दें, इसके बाद फ्लिप नॉर्मल कर दें, यानी कि इनर को आउटर करना चाहते हैं वो कर दें, इसको पिंच भी आप देना चाहते हैं पिंचिंग भी दे सकते हैं, ठीक है। और इसके एंड कैप्स, या आपने इसके कैप्स को बंद करना हो या ज़्यादा करना हो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये लेथ क्या करता है, एक प्रोफाइल को घुमा देता है और उसको 3D व्यू में ले आता है, ऐसे जैसे एक मिट्टी का बर्तन जैसे आप बना रहे होते हैं। अरे हो गई, लेथ हो गई, स्वीप हो गया हमारा, और इसके अलावा स्पेसिंग टूल बार, स्पेसिंग टूल बार को हम लोग नेक्स्ट के लिए रख लेते हैं, अभी इतना काफ़ी है, क्योंकि स्पेसिंग टूल बार से हमने पूरा बेंच बनाना है और उसके अंदर एक पूरी एक प्रोसेस है, ठीक है। वही बड़ा एक ज़बरदस्त है, ये जो टूल रह जाते हैं ये इनको आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा खैर, आप लोगों के लिए जो टास्क है वो यही है कि आपने पाइप को देखना है, पाइप के अंदर आपने उस तरीके से नट बोल्ट्स को बिठाना है जिस तरीके से मैंने बताया है। दूसरा ये कि आपने एक स्टूल है जो मैं आपको ग्रुप में शेयर करूँगा वो आपने बनाना है, बना के आप दिखाएँगे, और ये जो शटर मैंने बनाया है ये आप लाजमी बनाएंगे, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो। और ये लाइन कमांड को आपने इसको स्टडी करना है, क्योंकि 2D शेप्स को आप पसे पुश नहीं डाल सकते, इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप, क्योंकि इसी की बेस पे आगे हमारी मॉडलिंग बड़ी ज़्यादा हैवी है और बड़ी प्रोफेशनल होगी, तो इस अक्सर हमारी शेप्स ऐसी होंगे जो कि हम लोग 2D में से 3D निकालनी होंगी। चलें खैर, आप फिर इसको आगे लेके चलें।